खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जिला प्रशासन और महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम जनपद के समस्त पीएससी सीएससी एवं जिला चिकित्सालय पर मनाया गया। एक नुक्कड़ सभा कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। इसी के अंतर्गत सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शैतपुर में अपराह्न 3 बजे जिलाधिकारी आरका अखौरी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने कन्या जन्मोत्सव के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान गणेश की मूर्ति पर माल्यार्पण उपस्थित बच्चों के साथ केक काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा बच्चों का अन्न प्रशन कराया गया। इस दौरान तहसील शैतपुर सीएससी क्षेत्र की ऐसी महिलाओं को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया जिन्होंने माह जनवरी 2023 में बच्चियों को जन्म दिया है, जिसमें 65 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें यह संदेश दिया गया कि बेटियां घर की शान है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगे, बेटियों का स्वागत किया जाए तथा उनके स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान देते हुए उनके जीवन को सशक्त बनाते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जनपद में लिंगानुपात पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इस पर जोर दिया जाए। उन्होंने भ्रूण हत्या पर जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की घृणित कृत्य करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पीसीपीएन डीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंधौ में एक कार्यक्रम आयोजित कर 50 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। नहीं तो बेटी नहीं और बेटी नहीं तो बेटा नहीं, बेटियों का सम्मान वही दिन होगा महान, इसका जीता जागता प्रमाण आज हमारे गाजीपुर जिले में एक अच्छा महोदय को बुलाकर उनको सम्मानित किया गया और एक संदेश दिया गया कि बेटियां घर की शान हैं, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगे और बेटियों का स्वागत किया जाए, उनको ठीक तरीके से उनका स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए, आगे उनको सशक्त किया जाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए गाजीपुर जनपद का सेक्स रेशियो बेटर हो इसकी तरह से। भ्रूण हत्या रोकने के लिए क्या सरकारी स्तर पर भी कोई उपाय किए जा रहे हैं? बिल्कुल, PCPNDT एक्ट के अंतर्गत हम लोग काफ़ी चेक्स करते हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के और इसके स्कीम के अंतर्गत मुखिया ग्राहक और मुखबिर योजना भी है, तो हमें कोई सूचना यदि देता है कि कहीं गुप्त तरीके से सेक्स एक्सामिनेशन किया जा रहा है तो उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको धनराशि दी जाएगी और उस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी।